नेम इज शिवांत बजीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरलॉजी। सो आज की मंथली एक्सपायरी बिल्कुल रेंज बाउंड रही है, जो हम लोगों ने कल एक रेंज डिसाइड करी थी, एग्जैक्टली उसी रेंज पे ही पूरी मार्केट काम करी एंड उसी के एग्जैक्टली बॉटम पे उसने अपनी क्लोजिंग करी है। सो गाइस, अब अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होने वाला, अक्टूबर की एक्सपायरी कल से स्टार्ट हो जाएगी। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सारी बातें होंगी आने वाले वीडियोस पे। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप होल्ड कर सकते हो, मैंने अभी एक वीडियो रिसेंट बनाई है जिसपे आप 3 स्टॉक्स लेकर चल सकते हो नेक्स्ट मंथ के लिए, उसको जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसपे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा बेस्ट स्टॉक्स जो आप लोग हफ्ते दो हफ्ते के पर्पज से बाय कर सकते हो। कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, एक बार कल की मार्केट देख लेते हैं और उसके अलावा एक बार मंडे की मार्केट देख लेते हैं कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अक्टूबर की एक्सपायरी किस तरीके से रह सकती है। इसके अलावा ऑप्शंस के अंदर भी थोड़ा बहुत डाटा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर एक प्लानिंग अपनी ट्यूजडे को स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं, कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को कौन से ट्रेड्स लेने हैं। अब मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, मार्केट लगातार दो दिन से गिर रही है, आज हो गया तीसरा दिन मार्केट का। सब आपको पता होता है कि तीन कैंडल जब लगातार गिरती हैं, जब तीन कैंडल लगातार बियरिश या बुलिश बनती हैं, तो उसके बाद एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिलता है। सो अब तीन कैंडल गिर चुकी है, मार्केट एक बुल रन में है, तो मुझे लगता है कि कल की मार्केट या तो फिर रेंज बाउंड रह सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी, या अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो एग्जैक्टली उसी लेवल से बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं जो मैं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे लेकर जाके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने 3 स्टॉक्स की एंड उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डाटा आज चेक नहीं करेंगे बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी हुई है, तो कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा हम लोग FIR DIR के डाटा को भी नहीं अभी चेक करेंगे, सिर्फ आज टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेते हैं। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है प्रिविसिल, प्रिविसिल यानी कि प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं एंड आज के वीडियो पे ना मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस, मेरे पास ना, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को कॉल्स तो प्रोवाइड करवाई था रिकमेंडेशन, सो वहाँ पर मैंने एक लाइन डाली थी कि जो मैं न्यू स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, सर आप कौन से इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो एंड किसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बना रहे हो। सो मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दूंगा, यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही वो आप इंडिकेटर्स को फाइंड कर सकते हो, इसके अलावा फाइंड नहीं कर सकते एंड बहुत इजी वे है। तो मैं आप लोगों को आज एक ग्लिप्स दिखाऊंगा, तो आप इसे चेक जरूर करिएगा। सबसे पहले सपोर्ट बनाते हैं। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक सपोर्ट लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेजिस्टेंस बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बन नहीं पाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जोन क्रिएट कर देते हैं। सो आई थिंक दिस शुड बी आवर जोन। अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली लाइन पे सपोर्ट लेता है स्टॉक एंड एक न्यू हाई क्रिएट करता है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लेरिफाई हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैंने डेली टाइम फ्रेम गाइस ओपन करा हुआ है एंड स्टॉक एक बार यहां पर आया, एक फॉल आया, अगेन ऊपर गया, एक फॉल आया एंड फाइनली गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। सो यहां पर आप लोगों को एक चीज तो देखने को मिल गई होगी कि ये एक कप हैंडल पैटर्न था, ये कप है एंड दिस इज द हैंडल और इसका एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। तो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज पे बहुत बार कहा था, अगर कोई भी पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता है और उसी पैटर्न के ब्रेकआउट आते ही वो एक और पैटर्न डेवलप करने लगता है और उसका ब्रेकआउट आता है, तो जो टारगेट्स होते हैं ना, जो अपमूव ये स्टॉक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 80-85% तक ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं इसने एक शार्प इम्पल्स मूव दी, एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ये इसका बेस है, ये इसका रेजिस्टेंस और फाइनली इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पर अब एक बाइंग जनरेट हो सकती है। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए ना मैं चलता हूँ 30 मिनट्स पे, ठीक है। 30 मिनट्स पे अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, एंट्री लेवल क्या होगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, तो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें, तो ये टॉप है, ये बॉटम्स हैं एंड इसको कनेक्ट करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस लाइन का इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट देती हमें बाय करने एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर, तो आई थिंक हम लोग अगर अपना इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो है इस लेवल पे, सो आई थिंक दिस शुड बी आर टारगेट। ये एक हर्डल बन सकता है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा।
सो यानी कि अगर हम लोग बाय करते हैं तो ऑलमोस्ट 86 रुपीज, यानी कि 4 से 4.5% का रेंज स्टॉक रिटर्न दे सकता है। अब मोस्ट प्रोबेबली कल भी दे सकता है और मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे भी दे सकता है, तो इसको आप लोग वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। बट अगर फाइनली इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो और अच्छे लेवल्स 2,2100 रुपये के आसपास तक के भी लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज ये था स्टॉक हम लोगों को बाय करना है इस लेवल के ऊपर जो कि 1895 रुपीज़ के ऊपर है। आर टारगेट शुड बी 1980 का एंड स्टॉप लॉस हमारा 1830 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला स्टॉक प्रिविसिल। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो अभी करंट प्राइस है इसका 205 रुपीज़ एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे भी आप लोगों को 193 रुपीज़ पर रिकमेंड करा था और मैंने बोला था ये 260 रुपीज़ तक भी बहुत ईजिली जा सकता है। तो आज भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड 201 रुपये के आसपास दोबारा बताया था बाय करने के लिए एंड सीधा हम लोगों ने 205 रुपीज़ तक की अपमूव देख ली है। सो अब इसके रीज़न क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने अभी करेंटली मंथली चार्ट ओपन करा हुआ है। मंथली चार्ट ओपन करने के बाद मैं सीधा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये था एक लाइफ टाइम हाई जो कि 2005 में क्रिएट हुआ था, जो कि लेवल था ऑलमोस्ट अराउंड 200 रुपये का एंड उसके बाद जाके इसने 16 साल बाद 16 ईयर्स बाद इसने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग करिए, एक मंथली क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अगर कल ये 200 रुपये के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक मंथली क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी और तब एक शार्प रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मंथली चार्ट से चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं एंड क्लियरली अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ये हुआ करता था, एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट और रीटेस्ट जाने के बाद दोबारा ऊपर जा रहा है। अब दोबारा ऊपर जा रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया अभी था जब ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा था जब 201 रुपये पे चल रहा था कि आप लोगों को अगर डिप मिलती है 185-182 रुपीज़ के भी आसपास तो उस पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसकी डिप थी 188 रुपीज़ की, तो ऑलमोस्ट हम लोग एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं। अब आप देख सकते हैं सिंपल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट, इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट और अपने लाइफ टाइम हाई को ये मोस्ट प्रोबेबली कल ब्रेक कर सकती है जो कि 210 रुपीज़ के आसपास का लेवल है। सो ये स्टॉक गाइस आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। एक बार अगर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, ये आप देख सकते हैं सिंपल ये एक हर्डल है जो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक फेस कर सकता है जो कि 209 या 208 रुपीज़ के आसपास है। इस स्टॉक को आप लोग अपनी वॉचलिस्ट के अंदर डेफिनेटली रखिएगा, ये बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। आपको 190 पे मिले, 200 पे मिले, 185 पे मिले, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को एक्यूमुलेट करते रहना है और ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप लोगों को बढ़िया रिटर्न दे सकता है। मार्क माय वर्ड, ये स्टॉक मैंने खुद ऐड करा हुआ है, एक ही स्टॉक मैंने रखा हुआ है, इसके अलावा मैंने सारे स्टॉक्स पे एग्जिट ले लिया है और मैं क्योंकि इंट्राडे में कोई न्यू स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उस पर भी मेरी टेस्ट थ्योरी चल रही है। इसके अलावा सिर्फ एक यही स्टॉक है जिसपे मैंने अपनी बाइंग बना रखी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस पर जरूर आप लोग अपनी पोजीशन रख के चल सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा दूसरा स्टॉक। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा तीसरा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। सो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में मैंने अभी अर्ली चार्ट ओपन करा हुआ है एंड अर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला। सो ऑलमोस्ट जो शार्प फॉल आया वो एग्जैक्टली इस लेवल से आया होगा क्योंकि ये तो हम लोग एक रिट्रेसमेंट का पार्ट मानेंगे, एक्चुअल फॉल आया था ये जो गैप डाउन ओपनिंग थी। सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, सो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया है एंड दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम। एक फिबोनाची हम लोगों ने ड्रॉ करा तो आपको सिर्फ ये परसेंटेज पे फोकस करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हमें नीचे इस लेवल पे फोकस करना है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं और इसको पास ले आता हूँ कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये इसके लिए एक सपोर्ट था जो कि 38% लेवल पे है। ठीक है, जब इसने सपोर्ट इस लेवल पे ब्रेक करा दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अगेन इसने रीटेस्ट करा और एक शार्प फॉल आई, इधर एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिली है। बट आप एक पॉइंट समझिएगा, ये साइकोलॉजी का पॉइंट है, जब पहली बार आया, जब पहली बार रीटेस्ट करा एक शार्प फॉल आई, जब दूसरी बार रीटेस्ट आया एक फॉल आई बट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, अगेन ऊपर गया दोबारा एक फॉल आई अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, तो अब आप देख रहे हैं जो ये वाला पॉइंट था, ये जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। क्यों? पहली बार रेजिस्टेंस आके तो बहुत बड़ी फॉल आई, फिर और छोटी हो गई, अगेन और छोटी हो गई एंड फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा नीचे आके ऊपर जा रहा है और फॉल आप देख रहे हैं दोबारा एक छोटी हो गई है।
अब आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि ये मैं किस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फर्दर एनालिसिस करते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट कर रही है, और क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये लोअर लोस लोअर हाइज फॉर्म कर रही थी। फाइनली ये ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया बट प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखिए जब ट्रेंड चेंज होता है तो दो कैटेगरीज होती है जिसकी वजह से हमें कन्फर्मेशन मिलता है, हायर हाई और हायर लो। हायर हाई तो हमें नहीं मिला बट हायर लो हम लोगों को मिल गया। जब हम दोबारा ऊपर गए तो भी हायर हाई का कन्फर्मेशन नहीं मिला बट हायर लो का मिलते रहा। अगेन ऊपर गया और अपने इसने प्रीवियस हाईज को ब्रेकआउट दिया, नीचे आया और ऊपर गया, तो यानी कि हायर हाई भी मिल गया, हायर लो भी मिल गया और बाय का कन्फर्मेशन मिल गया, यानी कि बॉटम का एक रिवर्सल हमें कन्फर्मेशन मिल गया। ठीक है, इसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस है, क्लियरली हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हुआ क्या, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि एक पैटर्न डेवलप हुआ है। ये पैटर्न आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इस पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, यहां सपोर्ट लिया, अब ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों के माइंड में आता होगा यार ब्रेकआउट दिया नीचे आया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, बट मैंने आप लोगों को अपनी कल या परसों वाली वीडियो पे ये चीज बताई थी, अगर कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है और वो नीचे आ रहा है और आपके जोन के नीचे आ रहा है तो पहले चेक करो रीजन क्या है, वो क्यों आ रहा है, क्या लॉजिक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक शार्प इंपल्स मूव आई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, तो ये मैंने बॉटम है और ये मेरा टॉप है। जब मैंने बॉटम और टॉप लिया तो मेरे को पता चला इसने एग्जैक्टली 61% जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है एक रिवर्सल के लिए, एग्जैक्टली वहां पर आया, अपनी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है। इसके अलावा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कोई रोल नहीं आ रहा, बट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी रोल आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूं, ठीक है, आप देखिएगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यहां सपोर्ट आ रहा है। तो देखिए जब तक आप स्टॉक या सिक्योरिटी की साइकोलॉजी पे डीप नहीं जाओगे तब तक आप कोई भी स्टॉक पे पैसा नहीं कमा सकते, बिकॉज आपके माइंड में वो बात आ जाएगी आपने इस ब्रेकआउट पे बाय करा, ये ब्रेकडाउन आया, आपने शॉर्ट कर दिया, आप लॉस पे एग्जिट कर गए, बट क्यों एग्जिट करा आपको नहीं पता था कि यहां पर भी देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यहां पर एक स्टॉक रिवर्स कर सकता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोग एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट्स के जब मैं टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा जो बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को अभी रिसेंटली फेस करने को मिलेगा वो है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, इस लेवल के आसपास हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है एंड दिस शुड बी आर पर्टिकुलर सपोर्ट, ये एक ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता हूं 15 मिनट्स के तो आप लोगों को और क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, एक सिंपल सी हम लोगों ने एनालिसिस करी, ये बॉटम है ये टॉप है। अब आपको पता है जब अगर ये पेनेंट पैटर्न बना है तो उसका टारगेट कैसे फाइंड करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। ये रहा मेरा बॉटम, ये रहा मेरा टॉप एंड अगेन इट्स बॉटम। सो जब मैं यहां पर एक टारगेट बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं, यस लेट मी शो यू दिस, यस सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरा सबसे पहला टारगेट है दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल जो कि 1.414% का लेवल है, एंड आर सेकेंड टारगेट शुड बी दिस लेवल, लेट मी शो यू दिस लेवल जो कि 1.618 का है। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 859 रुपीज़ का लेवल चल रहा है एंड हमें टारगेट्स तो पता चल गए, हमें स्टॉप लॉस फाइंड करना है, उसके बाद एंट्री लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये पैटर्न का ब्रेकआउट है, मल्टीपल पैटर्न्स की ब्रेकआउट है, तो हम लोग डेफिनेटली एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमें पता चल गया, टारगेट है 875 से लेके 885 रुपीज़ पे, तो हमें इस 10 रुपीज़ के अंदर अंदर अपनी क्वांटिटीज निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस फाइंड करते हैं, सो इस जोन को हटा देते हैं। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अगर हम लोग रखना चाहें तो इस जोन के नीचे रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है। सो मेरे हिसाब से अगर हम लोग इसी लेवल पर एंट्री लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो इससे हमारा छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस है एंड दिस शुड बी आर टारगेट जो कि 1:2.5 रेशियो है। अब एंट्री लेवल की बात आती है, तो यार एंट्री लेवल पे ना मैं इसी के ऊपर बाय करूंगा, ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर। अब क्यों सर इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, ये मैंने लेवल ले लिया, इसके ऊपर हम लोग बाय इसीलिए करेंगे, आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल है वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्लोज होके नीचे आई, दूसरी बार भी एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्लोज होके नीचे आई, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यहां से भी एक बार क्लोज होके नीचे आ जाए और तब ये बन जाएगा फ्लैग पैटर्न।
क्यों? क्योंकि ये एक रेंज बन जाएगा, लेट मी शो यू, ये बन जाएगा फिर एक रेंज कि इसी रेंज के अंदर मार्केट काम कर रही है और जब इसका ब्रेकआउट होगा हमें तब बाय करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, छोटी सी भी कैंडल क्लोज हो, यू कैन गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, आई होप आप लोगों को गाइस एनालिसिस पसंद आई होगी। हमारे थर्ड स्टॉक था, हमें बाय करना है 862 रुपीस के ऊपर और हमें बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए बिकॉज वहां पर मैं बहुत बढ़िया रिकमेंडेशंस देता हूँ। 15 मिनट के अंदर हमारे इंटरडे के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं एंड इंस्टाग्राम के भी स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड वीडियो को एंड करते हैं उसके बाद। सो निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया एंड निफ्टी पे एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बताई थी, क्लियर एनालिसिस थी। ये एक जोन है, ठीक है, इस लाइन को भी हटा देते हैं। ये एक जोन है जो हमारे लिए एक डिमांड जोन का काम कर रहा है बिकॉज यहीं पर ही स्टॉक बार बार पुश कर रहा है ऊपर जाने की। इसके अलावा ये एक जोन हम लोगों ने पर्पल बनाया था जो कि एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है कि जब भी इंडेक्स यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, जब भी स्टॉक यहां पर आ रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को एक बात कल बोली थी कि ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन है, इसी के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट होता है तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, इसी के रेंज के अंदर मार्केट काम करी। अब आप एक चीज देख सकते हैं, अगर कल इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसके नीचे अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यस, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट अगर एक हैवी गैप डाउन ओपनिंग होगी ना तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए कल आप लोगों को जो मैं स्ट्रैटेजी हर दिन बता रहा हूँ कि एक मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करो, अब वो नहीं करना, हर टाइम सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। तो अब कल 15 मिनट की कैंडल जो बनती है, ठीक है, 15 मिनट की जो भी कैंडल बनेगी उसके बाद आप लोगों को एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हम लोग जैसे मार्केट ओपन हुई हमें 9:15 टू 9:13 इंडेक्स पे कुछ नहीं करना, हमने देखा फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बनी, ठीक है, और ये कैंडल बनी है, आप मान के चल सकते हो एक बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये एक बियरिश कैंडल बनी है 15 मिनट की कैंडल। जैसे ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हुआ, जैसे ही 9:30 हुआ, आपको क्या करना है, आपको सीधा टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे शिफ्ट कर देना है। आपको क्या करना है, आपको सीधा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है और 1 मिनट की कैंडल को देखना है। 1 मिनट की कैंडल में कोई भी अगर बियरिश कैंडल बन जाती है तुरंत, 15 मिनट का तो टाइम फ्रेम पूरा हो गया, और अगर नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की अगर वो भी बियरिश बन जाती है और इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग देखते हैं यार ऐसा तो हुआ नहीं, बट नेक्स्ट कैंडल वो बनी है, वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन चुकी है और इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, ये नहीं होगी तो ये तो होगी, बट ग्रीन कैंडल 1 मिनट की, ये वाली कैंडल है 15 मिनट की, ये बात याद रखिएगा। अगर ग्रीन बनती है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि भाई नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है। जब ये 15 मिनट के मिड, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए हमें तब वहां पर बाय कर लेना है। अगर कोई भी एक कैंडल 1 मिनट की रेड वाली इसके नीचे क्लोज कर जाए तो हमें शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि लगातार 3 दिन से मार्केट गिर रही है, जब 3 दिन से एक बार मार्केट गिरती है ना तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखने को मिलता है। सो हो सकता है कि इतना गिरने के बाद अब शायद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करे और 18,000 तक दोबारा जाने की कोशिश करे। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज अगर गैप डाउन आता है, अगर गैप डाउन आता है तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि शायद एक रिकवरी भी आ सकती है, ना आए हमें तो दोनों तरीकों से काम करना है ना। ये 15 मिनट की कैंडल पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, अगली जो 16th मिनट वाली कैंडल होगी उस पर हम देखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है रेड कैंडल तो सीधा शॉर्ट है, अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करी है तो कोई नहीं है, इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे शॉर्ट है। आई होप आप लोगों को गाइस ये वाली स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। सो इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना, अगर एक बाउंस देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इसी लेवल पे खुलता है और एक बाउंस देखने को मिलता है, सो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसके ऊपर जाएगा और इस जोन के ऊपर, लेट मी शो यू, या इस जोन के ऊपर हमें बाय करना है। करंट प्राइस है 17,600 रुपीज का, हमें बाय करना है 17,680 के ऊपर और देन आर टारगेट शुड बी 17,750-780 रुपीज के, बट इसके पहले हमें बाय नहीं करना या फिर हम लोग ये लॉजिक के थ्रू अपना बाय करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं।
सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया एंड क्लियरली यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम सिनेरियो था। हम लोगों ने एक डिस्कशन लिया था, देखिए मार्केट आज जो ओपन हुई है वो ओपन हुई है अराउंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, इस लेवल पे ओपन हुई है सिंपल, ठीक है, ये वाली कैंडल पे ब्रेकडाउन आया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारा एक स्टॉप लॉस होगा, मोस्ट प्रॉब्लम करते करते हमारा टारगेट अचीव हो गया। मैंने बोला था ये हमारा प्रीवियस लो हमारा टारगेट होगा, एग्जैक्टली वो टारगेट हमारा अचीव कर गया था। बट तब भी मैंने बोला था मार्केट तब भी एक रेंज बाउंड है, तो आप लोगों को आराम से ट्रेड करना है वरना कॉशियसली ट्रेड करना है। अब एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे ये आ चुका है, अगर कल ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉबेबली जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो टारगेट होगा ये लेवल का, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है तो ये गैप को फिल करने एक बार आ सकता है। सो अगर ये 37,280 के नीचे जाता है और एक कैंडल क्लोज करती है, सिंपल आप लोग एक बाय सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 37,080 टू 37,020, ये रेंज है, इसके आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज सेम सिनेरियो है, पहले 15 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करने दीजिए, जो भी तरीका बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करिए। कल के दिन मैं बताऊँ क्या करो, कल के दिन तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत करो, सिर्फ दो चीज़ें देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो चीज़ें देखना, जो मैंने आपको बताया एक एक मिनट की तीन कैंडल, एक एक मिनट की तीन कैंडल को ऑब्जर्व करो कि एक कैंडल बियरिश बन रही है तो दो कैंडल बुलिश बन रही है तो मार्केट कहाँ जा रही है, अगर दो में तीन में से दो कैंडल बियरिश बन रही है तो मार्केट कहाँ जा रही है, इसको देखो। जैसे ये चीज़ खत्म हो जाए साथ बाय साइड दूसरी चीज़ भी देखो, 15 मिनट की कैंडल और एक एक मिनट की कैंडल का ट्रेड, आपको समझ में आएगा कि मार्केट की रिएक्शन क्या है। गाइस ये स्ट्रैटेजी छोटी छोटी जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, ये आप लोगों को हेल्प कर सकती है, सो प्लीज डू फॉलो दैट। और आप लोगों को कल थ्योरी टेस्ट करनी है, अगर कुछ भी आप लोगों को एक्साइटिंग लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं कि सर हाँ ये वाला जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई ना एक एक मिनट वाली वो काम कर रही है, 15 मिनट वाली काम कर रही है, और उसको फिर फॉलो करो, फॉलो थ्रू करो, पीछे जाओ, पीछे जाके देखो कि क्या एक्चुअल में वर्क हुआ। बट एक चीज याद रखना, हर ट्रेड सेटअप पे कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज मैं तीन दिन से आपसे कह रहा हूँ एक एक मिनट वाली कैंडल को फॉलो करो, और अब मैं कह रहा हूँ 15 मिनट वाली को फॉलो करो। तो आपको याद रखना होगा कि मार्केट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ता है। लोग कहते हैं ये एक स्ट्रैटेजी पे आप टिके रहो अगर वो वर्क करिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। मैं 2 साल से रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, 2 साल से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। गाइस इतना तो बनता है कि आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे भी क्रॉस करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और लेट्स होप कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स नेक्स्ट मंथ के अंदर क्रॉस कर पाए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।